बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने अपनी फैमिली का विज़िट वीज़ा स्टैंप करवाया हुआ है। कोरोना की वजह से उनकी फैमिली सऊदी अरेबिया का सफ़र ना कर सकी और वीज़ा एक्सपायर हो गया या फिर वीज़ा एक्सपायर होने के करीब है, यानी 31 जुलाई से पहले पहले अगर आपकी फैमिली का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। कानून ये है कि आप जब अपनी फैमिली का वीज़ा एतमाद से स्टैंप करवा लेते हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर आपकी फैमिली को सऊदी अरेबिया का सफ़र करना होता है। अगर 90 दिन के अंदर आपकी फैमिली सफ़र नहीं करती तो फिर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से फ्री एक्सटेंशन का ऐलान किया गया, अकामे फ्री तजदीद होंगे, इसी तरह खुरूज उहदा फ्री तजदीद होगा और इसके अलावा जो फैमिली विज़िट वीज़ा है, फैमिली विज़िट वीज़ा जो सिर्फ अभी तक स्टैंप हुई है और लोगों ने अभी तक सफ़र नहीं किया सऊदी अरेबिया की, उनको तरीकाकार बताया गया है वजारत खारजिया की जानिब से कि किस तरह आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड करना है। तो ये आप देख सकते हैं वासल आम यानी सऊदी अरेबिया का ये जो सरकारी अखबार है यहाँ पर ये खबर नशर की गई है। उसके बाद आप ये वाले इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और वेबसाइट पे आके यहाँ पे आपने तीन चार चीज़ें सिर्फ एंटर करनी है। सबसे पहले आपने वीज़ा नंबर एंटर करना। वीज़ा नंबर क्या होता है? वीज़ा नंबर आपके पासपोर्ट के उस पेज पर लगा होता है जिस पेज पर आपका वीज़ा स्टैंप होता है। तो ये वाला जो आपका वीज़ा नंबर होता है यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। पासपोर्ट नंबर एंटर करने के बाद आपने नेशनैलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो तमाम नेशनैलिटीज़ आपको शो हो जाएंगी, पाकिस्तान है या इंडिया है, यहां पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहां पे ईमेल आईडी दे देनी है। कोशिश कीजिएगा कि ईमेल आईडी आप वो दें जो आपके अबशर की आईडी है या फिर वो ईमेल आईडी जो आपने वीजा अप्लाई करते हुए यहां पे दी थी वो वाली ईमेल आईडी यहां पे दे दें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आप यहां पर ये वाला जो कोड है आपको नज़र आ रहा है, इस कोड को यहां पे एंटर करेंगे और उसके बाद आप एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सिंपल तीन चार स्टेप्स में आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। दोबारा से दोहरा दूं, ये वो वीज़ा है जो अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया, यानी आपने वीज़ा स्टैंप तो करवा लिया लेकिन आपकी फैमिली ने सऊदी अरब का अभी तक सफ़र नहीं किया। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर जाके इस वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।